हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आप इस तरह से जो दाग आपके घर में गिरे होते हैं पानी के, तो वो आप किस तरह से बहुत ही इजी तरीके से, जल्दी से और बहुत ही कम मेहनत से निकाल सकते हो। यही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस दाग को आप बहुत ही जल्दी निकाल सकते हो। अगर आप मेरी ट्रिक आजमाओगे तो आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम मेहनत लगेगी आपको इस तरह के दाग निकालने के लिए। और इस तरह के दाग अगर आपके स्लैब पे, किचन स्लैब पे गिरते हैं तो बहुत ही भद्दे दिखते हैं, आपका किचन का लुक पूरा बिगाड़ देते हैं। तो इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप इसे किस तरह से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको ग्लव्स पहन लेना है और हाथ में, क्योंकि अगर आप कोई सोल्यूशन यूज़ करते हो तो उसमें ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। और ग्लव्स अगर आपके पास नहीं है तो आप पॉलिथीन भी यूज़ कर सकते हो, पॉलिथीन आप पहन सकते हो, क्योंकि आपके हाथ को कोई हार्म नहीं होनी चाहिए इसी वजह से। और अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो मैं तो आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आप एक ग्लव्स ले लीजिए, क्योंकि दिवाली का टाइम है और दिवाली के टाइम में आपको बहुत सारी क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो आप ग्लव्स अगर ले लोगे तो आपके हाथ जो है वो सेफ़ रहेंगे, बहुत ही, मतलब आपको बिल्कुल हार्म नहीं होंगे। और आपको बहुत सारी सफाई करनी पड़ती है दिवाली के टाइम पे, तो इसी वजह से आप एक ग्लव्स ले लीजिए। और इस तरह से आपको ग्लव्स पहन लेना है और फिर हमें चाहिए हार्पिक, तो इस तरह से हम हार्पिक ले लेंगे और थोड़ा सा उस पर स्प्रेड कर देंगे जहाँ जहाँ पर दाग गिरे होते हैं, पूरे दागों पर ये लगना चाहिए। इसी वजह से हमें एक स्क्रब लेना है, जो लोहे का स्क्रब आता है, तो वो स्क्रब लेना है और उसकी हेल्प से हमें पूरे इसे स्प्रेड करना है दागों पर, पूरा दागों पर। आप देख सकते हो मेरे स्लैब पर जहाँ जहाँ दाग गिरे हैं वहाँ पर मैंने ज़्यादा डाला है। और फिर थोड़ा सा पानी लेके स्क्रब पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे स्प्रेड कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे स्प्रेड करके ऐसे ही हमें छोड़ देना है, ताकि जो आपका हार्पिक है वो काम कर सके अच्छे से। और आप देख सकते हो इस तरह के दाग ना हमें सिंक के आजू बाजू में देखने के लिए मिलेंगे, और जहाँ पर हम लोग जो हमारा बर्तन का स्टैंड होता है जिसमें हम बर्तन धो के रखते हैं, उसके नीचे हम लोगों को ये दाग देखने के लिए मिलेंगे। ये मेरा बर्तन का स्टैंड के नीचे का है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा पानी जमा हो जाता है बर्तन के नीचे। हम लोग धो के रख देते हैं बर्तन और नीचे जो पानी टपकता है तो पानी जमा हो जाता है और उसके दाग जो है बहुत ही ज़्यादा भद्दे दिखते हैं, वही ये दाग है। और मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दिया जाए, अगर मैं साफ़ कर रही हूँ तो, अगर आपके भी घर में ये है, ऐसे दाग गिरे हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे बहुत ही जल्दी से दाग जो है वो बहुत ही जल्दी से क्लीन होते हैं। आप देख सकते हो अभी मैं स्प्रेड ही कर रही हूँ तो तब तक दाग क्लीन हो भी रहे हैं, और बस थोड़ी देर के लिए हमें ऐसे ही छोड़ देना है। और उसके बाद हमें बस इसे हल्के हाथों से, हल्के ही हाथों से, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी आपको। आप देख लेना अगर ट्राई करके, तो आपको बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी और ये दाग जल्दी से छूट जाएंगे। और इस तरह से आपको स्क्रबर से अच्छे से ये दाग को छुड़ाना है और बहुत ही अच्छे से ये जल्दी से निकल भी जाएंगे। और उसके बाद का जो लुक आप देखोगे ना, इतना ज़्यादा चमकने लगेगा, जो आपका गैस का स्लैब है वो बहुत ही ज़्यादा चमकने लगेगा। आप पूरे इसमें भी ये डाल सकते हो गैस के स्लैब में, अगर आपको गैस का स्लैब बहुत ज़्यादा चमकाना है और बहुत अच्छे से दाग वगैरह निकालने हैं, तो आप पूरे गैस के स्लैब पे ये डाल के थोड़ा सा अच्छे से रब करके चमका सकते हो और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा गाइस, आफ्टर लुक आप देख लोगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो बिल्कुल ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है और दाग जो है निकल भी गए हैं और बिल्कुल मेहनत नहीं लगी है। नहीं तो हम रगड़ते रहते हैं और दाग निकलने का नाम नहीं लेते हैं, बट इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है और आपका आफ्टर लुक तो आप देखते ही रह जाओगे। तो बहुत ही ज़्यादा चमकता है आपका गैस का स्लैब, जो काउंटर टॉप है आपका, बहुत ज़्यादा चमकता है इससे। उसके बाद अगर कॉर्नर में आपका, मतलब जो स्क्रबर है, नहीं पहुंच रहा है, तो इस तरह का आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। आप कपड़े वॉश करने वाला भी ब्रश यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास इस तरह का ब्रश नहीं है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और ये थोड़ा सा कोने में पहुँचता है इसी वजह से और अच्छे से, मतलब क्लीन होता है इससे, आप देख सकते हो, देख ही पा रहे हो आप। तो बस इसी तरह से मैं कर लूँगी और उसके बाद हम लोग पानी डाल के इसे वॉश कर लेंगे। उसके बाद एक हैंकी या कोई भी कपड़ा आप यूज़ करते हो वॉश करने के बाद, मतलब जो वाइप करने के लिए, तो वो कपड़ा आप यूज़ करिए और उससे वाइप कर लीजिए। बहुत ही सुंदर दिखता है गाइज और बहुत ही चमकने लगता है, आफ्टर लुक आप देख ही रहे हो। तो इस तरह से है, और आप अगर ये ट्रिक करोगे तो बहुत जल्दी आपका जो काउंटर टॉप है वो क्लीन होगा और बिना मेहनत के क्लीन होगा।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।